Hey people, welcome back to my channel. I'm back with another super cool video. In this video, we will be talking about some fashion tips for my skinny guys. Skinny hona koi offense nahi hai. I can feel you. You are trying out hard to get that right fat on your body. कोई बात नहीं, आई गॉट यू ऑल कवर्ड हियर. मैं कुछ आपको ऐसे फैशन टिप्स, कुछ ऐसे फैशन हैक्स बताऊंगा जिससे आपकी पर्सनैलिटी यहाँ से यहाँ पर हो जाएगी और अपनी आपकी जो भी स्किनी पर्सनैलिटी, आपकी जो भी स्लेंडर फिजीक है, आप उस फिजीक में रॉक कर पाओगे और अपना बेस्ट वर्जन लग पाओगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड द बेसिक पॉइंट, वियर द राइट फिट. हमें एक अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो हमारी स्लेंडर फिजिक है उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने आप को फिजिकली वीकर नहीं दिखाना है. फिजिकली वीकर हम कब लगते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा स्किनी कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा लूज कपड़े पहनते हैं. आपको लगता है जब आप लूज कपड़े पहनोगे तो आप थोड़े चौड़े लगोगे, आप थोड़े बड़े बड़े लगोगे. दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स टोटली ऑपोजिट. वो चीज़ बिल्कुल गलत है. तो ट्राई टू वियर दैट फिट जो आपकी बॉडी को सूट करे. हमें ना ही एक्सल साइज पहनना है, ना ही हमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पहनना है. हमें मीडियम साइज पहनना है ताकि हमारी वो स्किनी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सके और हम उसमें अच्छे लग सके. अगर आप ज़्यादा स्किनी जीन्स पहनोगे ना, तो उससे क्या होगा, वो आपके लेग्स को और स्टिक जैसा बना देगा. इट विल मेक योर लेग्स लुक मोर लाइक अ स्टिक. अगर आप बहुत ही लूज टी शर्ट पहनोगे, आपके आर्म्स वैसे ही बहुत इलॉन्गेटेड है, लूज पहनोगे वो और इलॉन्गेटेड लगेंगे. उससे आपके हाथ बहुत ज्यादा पतले लगेंगे, आप और स्किनी लगोगे. तो वियर द राइट फिट. राइट फिट आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है. आपको बिल्कुल भी स्किनी चीजें नहीं पहननी, बिल्कुल भी ओवर साइज कोई भी बैगी चीज नहीं पहननी जिससे आप और स्किनी लगो, जिससे आप और फिजिकली वीकर लगो. अपनी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन ऐसा बनाना है कि आप बिल्कुल स्किनी नहीं हो, एकदम मस्कुलर हो, आप एकदम बफ्ड अप हो. अवॉइड वियरिंग हाई एंकल शूज. हाई एंकल शूज में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? आपके जॉर्डन्स, आपके डंक्स, आपके टिम्बरलैंड बूट्स. क्या होता है, मैंने ये चीज़ खुद नोटिस की है, अगर कोई भी एक स्किनी इंसान है, उसने हाई एंकल शूज़ डाल रखे हैं, उसने बूट्स डाल रखे हैं, तो क्या होता है, वो शूज़ बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं. जब वो शूज़ बल्की होते हैं तो आपके नीचे वाले पार्ट के कॉन्ट्रास्ट के साथ आते हैं और जो आपके लेग्स होती हैं उसको और स्किनी दिखाते हैं. सो अवॉइड वियरिंग सच शूज़. अगर आप स्किनी के साथ साथ छोटे भी हो, सो अवॉइड वियरिंग जॉर्डन्स, अवॉइड वियरिंग डंक्स, अवॉइड वियरिंग चेल्सी बूट्स, अवॉइड वियरिंग टिम्बरलैंड बूट्स. ये आपको और स्किनी दिखाएंगे, आप फिजिकली वीकर लगोगे अगर आप ऐसे शूज़ पहनोगे तो. सो अवॉइड वेयरिंग हाई एंकल शूज़. हमें थोड़े फ्लैट शूज डालने हैं ताकि हम और स्किनी ना लगे. नेक्स्ट पॉइंट, वी गोना बी टॉकिंग अबाउट सम फैशन हैक्स. बहुत ही सिंपल हैक्स हैं जो आप फॉलो करोगे ना तो आप स्किनी से एकदम बीफ्ड अप लगोगे. तो सबसे पहला हैक होता है स्टार्ट वेयरिंग अंडर पैंट्स. अंडर पैंट्स आपको जीन्स के नीचे पहननी है. उससे क्या होगा, जो आपका थाई एरिया होगा ना वो इन्हांस होगा और आपकी स्किनी पर्सनालिटी से आपको एक बीफ्ड अप पर्सनालिटी में दिखाएगा. अंडर पैंट्स पहनो जिसमें आप थोड़े कंफर्टेबल हो, आपको गर्मी नहीं लगती, तो स्टार्ट वेयरिंग दोस. अगला हैक है स्टार्ट वेयरिंग वेस्ट लाइक टी शर्ट्स. एक वेस्ट आती है टी शर्ट टाइप, अगर आप उसे टी शर्ट या शर्ट के नीचे डालोगे ना तो आपकी स्किनी पर्सनालिटी को एक पीफ्ड अप पर्सनालिटी मिली जाएगी. ये दूसरा हैक था. थर्ड हैक क्या करना है आपको, स्टार्ट वियरिंग कॉलर टी शर्ट. तो हमें थोड़ा वाइड लगने के लिए अपना नेक एरिया को थोड़ा बीफ्ड अप दिखाना है. जितना नेक एरिया आपका बीफ्ड अप होगा ना उतने कम स्किनी लगोगे. तो नेक एरिया को बीफ्ड अप करने के लिए हमें क्या क्या करना है, आपको कॉलर टी शर्ट पहननी है, उससे आपका नेक एरिया बहुत ज़्यादा बीफ्ड अप लगेगा. दूसरी चीज़, आपको जिप नेक टी शर्ट्स पहननी है. जो जिप होते हैं टी शर्ट्स में, उस नेक की टी शर्ट्स पहननी जिससे आप और बीफ्ड अप लगो. थर्ड चीज़, आपको टर्टल नेक पहननी है. टर्टल नेक से आपका वो नेक एरिया और इन्हांस होता है और आप बीफ्ड अप लगते हो. नेक्स्ट हैक है a wrist with a watch, a wrist without a watch. There's a lot of difference. तो स्किनी गाइस जो होते हैं उनको वॉच हमेशा पहननी चाहिए अपने रिस्ट पे. आपका रिस्ट जितना भरा भरा लगेगा, आप उतने आप बीफ्ड अप लगोगे, उतने कम स्किनी लगोगे. तो ऑलवेज ट्राई टू वियर अ वॉच जो आपकी बॉडी साइज से कंपैटिबल है. ऐसी वॉच नहीं पहननी जिसका डायल बहुत बड़ा है और आपका हाथ बहुत पतला है, उससे आप और स्किनी लगोगे. अगर आप कोई भी सनग्लासेस खरीदते हो, सनग्लासेस भी आपकी बॉडी टाइप से कंपैटिबल होना चाहिए. सनग्लासेस भी आपकी आंखों से बड़ा नहीं होना चाहिए या आपकी बॉडी से बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे आप और स्किनी लगो. तो ये कुछ फैशन हैक्स थे जिससे आप स्किनी से एक बीफ पर्सनालिटी में जा सकते हो. तो हम सब जानते हैं सबकॉन्शियसली कि लोग हमें जज करते हैं हमारे आउटवर्ड अपीयरेंस को लेके, वेदर वी लाइक टू एडमिट और नॉट. जो भी लोग आपसे मिलता है, जो भी आपसे मिलने आता है, फर्स्ट इंप्रेशन उसका आउटवर्ड अपीयरेंस ही होता है. लोग जितना भी कह रहे हैं आप दिल से अच्छे हो, आप अंदर से बहुत अच्छे हो. ऑल्सो नो पीपल मेक अजम्पशंस
at the very first time you meet them. So first impression is your last impression. So हमें outwardly हमें बाहर से अपनी appearance strong करनी है ताकि हम अपना confident भी strong रख सकें और हमारी inner strength भी strong रहे. It doesn't matter हम skinny हैं, हम fat हैं, हम underweight हैं, हम overweight हैं. हमें उस version में अपना best लगना ताकि हम अच्छे लग सकें और हम outward appearance अपनी बहुत strong बना सकें, अपनी personality का impression लोगों पे बहुत अच्छा डाल सकें. तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं. ये कुछ fashion hacks थे मेरे skinny bros के लिए, मेरे underweight bros के लिए. आप टेंशन ना लो, आई नो you are working hard towards achieving your best body goals. आप try करते रहोगे and try करते रहो. Don't forget to follow me on Instagram. मैं वहाँ पे सबसे जल्दी updates डालता हूँ, fashion updates, travel updates, lifestyle updates. तो मेरे को वहाँ follow करो. And अगर आपको video पसंद आती है, इस video को like करो, मेरे channel को subscribe करो. And don't forget to press the bell notification on. See you until next time and tada.